परमेश्वर भला है और हम सबों को वे सुरक्षित रखे हैं और इस सुंदर सावत में हम सबों को फिर से उस महान सृष्टि जो परमेश्वर ने हम सबों के लिए की है, दुनिया में हम जीते हैं और जब तक जिएंगे हम उसकी आराधना और स्तुति हम लोग करते रहेंगे। चलिए लोग प्रार्थना करें। सशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो कि आपने अभी तक हम सबों को सुरक्षित रखे। जब भी हम लोग शारीरिक दाव से हम लोग कमज़ोर हैं, लेकिन आपकी असीम कृपा हुई कि हम लोग इस वक्त आपके पवित्र भवन में आकर के आपके वचन से हम पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। खास करके मेरे साथ हुए और आपका वचन हो और मेरा मुंह जिसे मैं जो कुछ बोलूं वो हमारे दैनिक जीवन के लिए लाभदायक हो। हम सभी को अपने आप को आपके हाथ में सौंप देते हैं, यीशु ख्रीस्ट के नाम से मांगते हैं। सुन और ग्रहण कर दीजिए, आमीन। आज का मेरा शीर्षक है बाइबल में लिखी हुई 7 संख्याओं की महत्ता। बाइबल में जो लिखी हुई 7 संख्याएं और उसके महत्व के हम लोग थोड़े समय तक देखेंगे। सबसे पहले हम लोग खोलेंगे उत्पत्ति दो का दूसरा और तीसरा पद। उत्पत्ति दो दूसरा और तीसरा पद। और परमेश्वर ने अपना काम जिससे वह करता था सातवें दिन समाप्त किया और उसने अपने किए हुए सारे काम से सातवें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने सातवें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उनसे सृष्टि के रचना के अपने सारे काम से विश्राम किया। हम लोग पवित्र शास्त्र में सबसे पहले जो 7 नंबर, सातवां दिन, यहाँ लोग पढ़े कि परमेश्वर 6 दिन, और जब हम सातवां दिन देखें तो सातवें दिन को वे पवित्र दिन के लिए बनाएं। तो हम देखते हैं कि ये पहला जो पवित्र शास्त्र में दी गई है ये 7वां नंबर या कहेंगे 7वां दिन, विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए, स्मरण रखने के लिए कहा गया है। और जब हम निर्गमन 20 का 8 से आगे पढ़ेंगे तो उसमें भी कहता है कि चौथी आज्ञा कहता है कि तो 6 दिन तो सारा काम काज करना और 7वां दिन ये विश्राम दिन का है। केवल विश्राम दिन नहीं, लेकिन उसके अलावा कहे कि उस दिन किसी प्रकार के काम काज ना करना, ना तेरे पड़ोसी, ना बेट, ना तेरे घर वाले और ना तेरे किसी प्रकार के काम काज ना करे। उस दिन पवित्र दिन है, 7वां दिन। फिर आगे हम देखें नूह और जल प्रलय। नूह के समय में जल प्रलय हुए थे और उसमें 7 अध्याय, उत्पत्ति 7 अध्याय उसका दूसरा पद में हम देखें 7 का 2 पद। यहाँ मूसा के नूह के कहानी का हम जानते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दी कि इस पृथ्वी को मैं पानी से, जल प्रलय से नष्ट कर दूंगा। और नूह से कहे कि एक बड़ी जहाज बनाए। आदमी के परिवार 8 जन थे
और उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किए और के जहाज बनाना शुरू किए। जब जहाज बनाना शेष हो गया तब परमेश्वर ने आज्ञा दी, जितने भी जानवर और पक्षी थे उनको, सबको नहीं, लेकिन हम देखते हैं कहानी में और सात पद में हम लोग पाएंगे, यहाँ सात अध्याय का दो पद, सब जाति के शुद्ध पक्षों में से तो सात सात जोड़े अर्थात नर और मादा लेना, पर जो अशुद्ध पशु शुद्ध नहीं है उसमें दो दो लेना अर्थात नर और मादा। यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर नूह से कहे कि सात सात जोड़े जो शुद्ध हैं, तो यहाँ सात नंबर, और हम सबों को ये कहा गया है कि शुद्ध और अशुद्ध का पहचान बाइबल में दी गई है कि कौन से जानवर कौन से पक्षी शुद्ध और अशुद्ध है। यहाँ सात सात देखते हैं, फिर आगे हम देख सातवां अध्याय का दसवां पद में हम लोग उस घटना को देखते हैं जब 120 साल बीतने के बाद जब परमेश्वर का स्वर्गदूत आकर के जब सब जितने भी जानवर पक्षी और नूह के परिवार आठ जन जब जहाज में प्रवेश किए, स्वर्ग से स्वर्गदूत आकर के दरवाज़ा को बंद कर दिए। हम लोग यहाँ देखेंगे कि दस पद में सात दिन के उपरांत प्रलय का जल पृथ्वी पर आने लगा। ये नूह और उसके परिवार एक हफ्ता सात दिन तक वे जहाज में थे, और सात दिन बीतने के बाद क्या होती बारिश होती है, जल प्रलय शुरू हो जाती है। तो हम देखते हैं यहाँ कि नूह और जल प्रलय के समय वे सात नंबर, सात दिन के बाद सात सात शुद्ध मवेशी, और जो परमेश्वर ने आज्ञा दी थी। आगे हम देखें याकूब के जीवन में, याकूब के जीवन में जब अपने भाई को धोखा दिया और अपने मामा के घर वो भाग गया और लबान और वहाँ पर जा गया, और उन्होंने राहेल और लिया को क्या कहता है विवाह करता है। यहाँ कि लिया बड़ी थी, राहेल छोटी थी, और हम इसके बारे जानते हैं कि लिया उसके आँख को एक आँख धुंधली थी, और जो राहेल थी तो सुंदरी थी, और याकूब ने उससे पसंद किया और सोचा, और लबान ने कहा कि ठीक है सात बरस तक तुम मेहनत करो। सात बरस वह मेहनत किया लेकिन धोखा से उसको लिया मिला। फिर राहेल को पाने के लिए और सात साल वह काम किया। हम यहाँ देखते हैं कि याकूब का धीरज इतना पक्का था कि वो 14 साल वो मेहनत के और लिया और राहेल वो दोनों से उनका विवाह हुई। इसको हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति 29 उसका 18 पद, उत्पत्ति 29 उसका 18 29:18 यहाँ कहता है कि मैं तेरी छोटी बेटी राहेल के लिए सात वर्ष तेरी सेवा करूँगा, सात साल
सेवा करूंगा अपने छोटी बेटी के लिए। फिर आगे हम देखें कि उसी अध्याय का 30 पद में उन्होंने लिया के लिए भी 7 साल काम किया, मेहनत किया, उस पर पक्का विश्वास और वह धीरज नहीं टूटा और दोनों से उनकी शादी हुई। आगे हम देखें कि मिस्र देश की कहानी और उसमें जोसेफ और साथ में यहाँ मिस्र देश में 7 वर्ष तक बहुतायत की फसल हुई और 7 वर्ष अकाल। ये फिरौन राजा एक स्वप्न देखता है कि नदी से 7 मोटी मोटी गायें निकली, किनारे में हरियाली घास को एक खा रही थी, चर रही थी। इतने में क्या देखता है कि 7 दुबली पतली गाय निकलती है और निकल करके उस मोटे मोटे गायों को वो खा जाती है। फिर कुछ देर के बाद देखता है कि 7 अच्छी बाली या फसल, जो मोटे दाने अच्छे दाने, और कुछ देर के बाद से देखता है कि सूखे दाने उसमें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सूखा। ये फिरौन राजा स्वप्न देखता है और इसका अर्थ जोसेफ बतलाता है, ये 7 गायें और 7 जो बालियां जिसमें लगे हुए थे, जौ हो या गेहूं कुछ भी हो या धान, ये दिखलाता है कि 7 साल तक बहुत अनाज होगी, भरपूर अनाज। और 7 साल जो पतली गायें, इसका अर्थ होता है कि 7 साल अकाल, और जो उसमें जो फसल में जो दाना नहीं था वो 7 साल अकाल। तो हम देखते हैं कि मिस्र देश में जब जोसेफ थे उसमें 7 साल तक भरपूर अनाज, और यूसुफ को ये फिरौन राजा ये कहे कि तुम ही यहाँ का मालिक हो, आप इसके जितना भी धन जितना भी जो अनाज है उसको गोदाम में रखवा दो। और आगे हम कहानी जानते हैं कि क्या हुआ। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर बाइबल में जो 7 जो संख्या दी गई है, वर्ष कहेंगे, तो ये 7 वर्ष तक अच्छी फसल हुई और 7 साल तक अकाल हुई। सिनै पर्वत पर 10 आज्ञा देना, जब परमेश्वर ने इसराइलियों को और मूसा को यह आज्ञा दी कि सिनै पहाड़ के चारों ओर घेरा लगाया जाए और ये पवित्र स्थान होगा, यहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति होगी। और हम बाइबल में पाते हैं निर्गमन 20:8-11 में, और ये 4th आज्ञा निर्गमन 20:8-11 में हम सभी कोई मुखस जानते हैं 4th आज्ञा। और इसके अलावा हम लोग व्यस्त विवरण 5:12-14 में भी ये जो 4th आज्ञा जो 10 आज्ञा दी गई थी उसके विषय में भी लिखी हुई है, व्यस्त विवरण 5:12-14। तो यहाँ देखते हैं कि 7 नंबर शुरू में परमेश्वर ने आकाश पृथ्वी और जितने भी चीज़ को बनाए और 7वें दिन उसने विश्राम किए, और सिनै पर्वत में वही आज्ञा जो 10 आज्ञा दी गई और 4th आज्ञा में दी गई है कि तोरे विश्राम दिन को 7वें दिन विश्राम दिन को पवित्र मानना। फिर हम देखेंगे इसराइलियों के समय में परमेश्वर की ये आज्ञा थी
और इसको हम लोग पढ़ेंगे निर्गमन 23 उसका 10 और 12 निर्गमन 23 10 और 12 निर्गमन 23 10 और 12 पद में यह कहता है सातवां वर्ष और सातवां दिन। 10 में पाएंगे 6 वर्ष तो अपनी भूमि में बोना और उसकी उपज इकट्ठी करना, परंतु 7वें वर्ष में उसको पत्ती खाने देना और वैसे ही छोड़ देना, तो तेरे भाई बंधुओं में के दरिद्र लोग उसे खाने पाए और जो कुछ उसमें भी बचे वह बनैले पशुओं के खाने के काम में आए, और अपने दाख और जैतून के बारियों से भी ऐसा ही करना। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ मूसा के समय इसराइलियों से ये कहा गया था कि 6 वर्ष तक तुम खेती करो, लेकिन 7वां वर्ष तुम फसल लगाओ लेकिन उसको छोड़ दो। किसके लिए? उन जो गरीब जो दरिद्र हैं जिनके पास अनाज नहीं है वे लोग बटोरेंगे। इतने नहीं, ये मवेशियों के लिए भी, उनके लिए भी ये छोड़ देना। तो यहाँ देखिए 7 बरस और 7वां दिन परमेश्वर मूसा को एक पवित्र स्थान बनाने के लिए उससे कहे, और वो जो मंदिर जो, और वे कहे कि मैं तुम लोगों के बीच में वास करूंगा और मंदिर की शेखाई और मंदिर का जो बनावट थी पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान। पवित्र स्थान में हम देखते हैं कि सोने के दीवट जो 7 शाखाएं जिसमें बनी हुई थी पवित्र स्थान में रखी गई थी, एक तरफ जो सोने की दीवट जिसमें 7 शाखाएं थी, इसको हम लोग पाएंगे निर्गमन 25 36 और 37 में, निर्गमन 25 36 और 37। उनके कांठे और डालियां सब दीवट समेत एक ही टुकड़े के हों, चोखा सोना ढलवा कर पूरा दीवट एक ही टुकड़े का बनवाना और 7 दीपक जलवाना। जलाए जाएं कि वे दीवट के सामने प्रकाश दे। तुम देखते हैं कि 7 जो दीपक जो दीवट में बनाए हुए थे, और ये 7 दीपक जो बाइबल में हम पाएंगे ये परमेश्वर की जो महान प्रकाश ज्वाला उसके आशीष के प्रेम हम सब पर बने रहे और उसके उज्जाला सारे संसार में फैले। यहोशू अपने लोगों से कहा, और इसमें हम लोग यहोशू 6:4 और 5 में हम लोग पढ़ते हैं, यह कहता है कि यरीहो शहर प्राचीन काल में दुनिया का सबसे बड़ा शहर माना जाता था, यरीहो नगर, और यरीहो नगर के चारों ओर दीवार, यरीहो नगर दीवार से घिरी हुई थी। और इसमें कहता है यहोशू 6:4 और 5 में यहाँ परमेश्वर यहोशू से कहता है तो अपने लोगों को और इसके साथ कहता है कि 7 याजक
सात नरसिंगे, सात दिन तक और सातवां दिन सात बार यरीहो नगर के चार ओर घूमना है। तो यहाँ भी हम पाएंगे कि परमेश्वर ने यहोशू और उनके लोगों को आज्ञा दी। ये सात नंबर संख्या हम देखते हैं और परमेश्वर ये सात नंबर से अद्भुत काम किए। परमेश्वर उनको आज्ञा दी, सात याजक, सात नरसिंगे, सात दिन और सातवां दिन सात बार घूमने के लिए। और इसको कहानी, इस घटना को हम जानते हैं कि ये सातवां दिन सात बार घूमे और नरसिंगा फूंका गया और इसके साथ क्या होता है, यरीहो नगर का दीवाल अंदर की ओर गिरता है और गिर करके हम तो यहाँ देखते हैं कि यरीहो का पतन। फिर पुराने नियम में भी हम देखें नमान कोढ़ी का शुद्ध किया जाना। नमान कोढ़ी या नमान एक सुबेदार था और उनके शरीर में कोढ़ था या कोढ़ी था। और जब वो सुना, एक जो बंधुआई से आई थी एक छोटी लड़की, उसके द्वारा वो कही कि मेरे देश में एक भक्त है और उसके पास अगर वे जाएंगे तो वे बिल्कुल ही शुद्ध हो जाएंगे। आगे हम देखते हैं कि ये नमान अपने लोगों को, कुछ लोगों को ले करके और इनाम ले करके वे जाते हैं और वहाँ जा करके जब एलिशा के घर जाते हैं तो एलिशा बाहर नहीं निकलते हैं, लेकिन उसका जो नौकर केहजी बाहर निकलते हैं और उससे कहा देते हैं कि उससे कहना कि जर्दन नदी में सात बार क्या करो, डुबकी लगाना है, सात बार, सेवन टाइम्स। नमान जाता है, पहली बार डुबकी मारता है, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार। यह हम देखते हैं कि नमान का जो विश्वास था थोड़ा डगमगाने लगा कि, और कहने लगा कि मैं ये तीन चार बार मारा, लेकिन उसने कहा कि आपको केवल चार बार नहीं लेकिन सात बार। और जब वह सात बार पानी में वह अपने आप को पानी में आया और वह बिल्कुल ही चंगा हो गया। हम कभी भी सोचते हैं कि जब हम हमारा जो सात दिन है, सात दिन हम अपने काम करते हैं, व्यस्त रहते हैं, और जब ये सातवां दिन जब हम पवित्र स्थान में या उसके भवन में आकर के हम उसकी उपासना करते हैं तो हम क्या कहते हैं, विश्वास के साथ हम उस नमान के समान हम बिल्कुल ही चंगे हो जाते हैं। इस कहानी को हम लोग दूसरा राजा 5:10-14 में पढ़ेंगे। अब हम आएंगे नए नियम में। नए नियम में जो एक निर्दयी सेवा का दृष्टांत दी गई है और इसमें पतरस ये यीशु ख्रीस्ट से सवाल करते हैं, ये मत्ती 18:21-22 में हम लोग पाएंगे। मत्ती 18:21-22 निर्दय सेवा का दृष्टांत हम इस देते हैं। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूंगा? सात बार तक? क्या सात बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे यह नहीं कहता कि सात बार तक, परन सात बार के सात
70 गुने तक। तो यहाँ कहता है कि पाप क्षमा, किसी के विरोध में हम अपराध करती है हम कितने बार क्षमा करें। तो यहाँ प्रभु यीशु ख्रिस्त कहते हैं कि मैं तुझसे इन्हें कहता हूँ कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुना तक। तो हम देखते हैं कि यहाँ 7 नंबर। अब हम यीशु ख्रिस्त के विषय में कुछ देर तक हम चर्चा करें। और ये जब यीशु ख्रिस्त को क्रूस काट में लटकाया गया, उसके दोनों हाथों और पैरों में कील ठोक दिया गया, क्रूस से ख्रिस्त की 7 वाणियां हम पाएंगे। ये 3 वाणियां दूसरों के लिए, जो परमेश्वर ने क्रूस पर जो वाक्य कहेंगे, जो शब्द कहे, वे दूसरों के लिए कहेंगे, हम सबों के लिए। और ये समय सुबह 9 से 12 बजे के बीच में हुआ। उनको जबकि क्रूस कार में लगाया गया, ये 3 घटनाएं हुई। पहला है कि पाप क्षमा। लूका 23 उसका 34 में हम पढ़ते हैं, यीशु ख्रिस्त कहते हैं क्रूसी से, ये पहली जो वाणियाँ हम देखते हैं, पहली वाणी वह है पाप क्षमा। और कहते हैं कि हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि वे नहीं जानते हैं क्या कर रहे हैं। ये पहला जो शब्द, जो वाणी यीशु ख्रिस्त के मुंह से निकली। दूसरा हम पाएंगे लूका 23 उसका 43 पद में, यीशु ख्रिस्त के दोनों बगल डाकू, एक दाहिने ओर एक बाईं ओर, डाकुओं को भी उन्होंने लटका दिया। एक डाकू ने उससे निंदा किया, लेकिन दूसरे डाकू ने उसे डांट कर कहा कि हम लोग अपने सजा के लिए, अपने कर्म के लिए हम लोग ये सजा भोग रहे हैं, लेकिन यह किसी प्रकार का अपराध नहीं किए हैं, लेकिन वे हमारे लिए वे दुख सह रहे हैं। और ये डाकू ऐसे यीशु ख्रिस्त कहे कि हे प्रभु जब तू स्वर्ग में जाए तो मुझे भी याद करना। और ये डाकू को यीशु ख्रिस्त आश्वासन देते हैं और उससे कहते हैं मैं सुस से कहता हूँ कि तो स्वर्ग में होगा। तो आगे हम देखते हैं कि यहाँ के किस प्रकार से ये 3 जो वाणियाँ यीशु ख्रिस्त ने क्रूस से दी। अब आगे देखेंगे चौथी, ये जो तीसरी है, तीसरा है कि ये माता मरियम, यीशु ख्रिस्त के माता मरियम के लिए देखभाल करने के लिए यूहन्ना से कहता है, और ये दोनों को कहता है, यूहन्ना को और उसकी माता को भी कहता है। कहता है कि ये माता, और यूहन्ना से कहता है कि और मरियम के हाथ में वो सौंप देता है। यूहन्ना 19 उसका 26-27 में हम लोग पाएंगे। आखिरी 4, ये 12 दोपहर से 3 बजे तक, ये जो आखिरी 4 हम देखें, आखिरी 4 में वे अपने लिए करते हैं। इसको हम लोग 27 उसका 46 में हम पढ़ते हैं। और आखिरी जो यहाँ कहेंगे चौथी वाणी जो कहते हैं, कहते हैं कि एली एली लमा सबक्तनी, ये आरामिक भाषा है। और इससे कहता है कि हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। एली एली लमा सबक्तनी। आगे ये 5वीं
मैं प्यासा हूँ, यूहन्ना 19 उसका 28 पद में, और उससे कहते हैं सिरका पिलाया जाता है। वह प्यासा था और वह कहे मैं प्यासा हूँ। छठवां, यह पूरा हुआ, यूहन्ना 19 उसका 30 पद, यूहन्ना 19 30 पद में हम लोग पाएंगे। यूहन्ना 19 उसका 30 पद, तब यीशु ने यह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुका करके प्राण त्याग दिए। यहाँ हम देखते हैं कि जब यह कहेंगे जो सिरका लिया, और जो सातवां में हम देखते हैं यहाँ जो आखिरी वाणी उसने कहा, मैं अपनी आत्मा को पिता परमेश्वर के हाथ में सौंप देता हूँ। भजन संहिता 31 उसका 5 में भी दाऊद क्या लिखते हैं यहाँ पर, भजन संहिता 31 उसका 5 पद में, Psalm 31:5, भजन संहिता 31 उसका 5 पद में, मैं अपने आत्मा को तेरे हाथ ही में सौंप देता हूँ। यहोवा, हे सत्यवादी ईश्वर, तूने मुझे मोल लेकर मुक्त किया है। कितना ही सुंदर वचन कि यीशु ख्रिस्ट अपना रक्त क्रूस पर बहा करके हम सबों को पाप से मुक्त कर दिया है, हम सबों को मोल लिए हैं, उस अनंत जीवन के भागी में हम सबों के लिए एक सुंदर वरदान दे दिए हैं। हम फिर से नए नियम में हम पाएंगे आगे, ये सात सुनाम या पुरुष या डीकन जो सेवक जो प्रेरितों के समय में वो चुना गया, ये सात डीकन्स कहेंगे, 7 नंबर्स 7, प्रेरित क्रिया 6 उसका 3 पद। और प्रकाशित वाक्य में हम जब पढ़ते हैं इसमें 7 नंबर, बहुत से 7 नंबर दिए गए हैं। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय में 1:4-11 में हमें पाएंगे 7 कलीसियाएँ। परमेश्वर ये 7 कलीसियाएँ जो गठन जो अपने प्रेरितों से कहा, और ये 11 पद में जो 7 कलीसिया के विषय में लिखी हुई है वहाँ नाम लिखा हुआ है, और ये आखिरी कलीसिया जो लौदिकिया कलीसिया, और जितने भी कलीसिया हुए आज संसार में बहुत से ऐसे कलीसिया हैं, मसीही भाई बहन हैं, वह परमेश्वर की उपासना आराधना करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि 7 स्वर्गदूत के पास 7 अंतिम विपत्तियाँ, जो अंतिम विपत्तियाँ जो आने वाली है अंत के समय में, वो स्वर्गदूत 7 स्वर्गदूत 7 कटोरे लेकर के वे भिन्न भिन्न स्थानों में वे उंडेल रहे हैं। इसको आप लोग पढ़िएगा प्रकाशित वाक्य 15, 16, 17 और आगे आप लोग पढ़ते जाइएगा कि विपत्ति हम सब पर आने वाली है, ये अंतिम दिन का चिन्ह है, और परमेश्वर ये सब घटनाओं के विषय में पहले से हम लोगों को बतलाए हैं कि होने वाली है, और कुछ घटनाएं घट रही हैं। हम सबों को सावधान, हम सबों को विश्वास में मजबूत होना है और सतर्क होना है, और हम लोग जो
परमेश्वर पर हम स्वयं भरोसा किए हैं, हम एक मसीह हो करके हम उसके साथ जिए। और जैसे यहाँ पवित्र शास्त्र में जो सात जो संख्याएं दी गई है, इसके पीछे परमेश्वर हम सबों के लिए जो आशीष दिए हैं उन लोगों पर विश्वास बढ़ाए हैं, जैसे नूह हुआ, उसका से याकूब हुआ, और जितने भी घटनाएं हुए जो सात नंबर हम बाइबल में पाते हैं, बहुत से ऐसे सात संख्याएं हैं उसको आज हम लोग नहीं देखे, लेकिन संक्षिप्त रूप से जो खास करके यीशु ख्रीस्ट जो क्रूसकार में जो सात वाणियाँ हम सबों के लिए दी गई हैं, ये बहुत ही विशेष है। हम अपने जीवन में अपनाएं और उस पर विश्वास करें और अपने आप को दूसरे आगमन के लिए तैयार करें। परमेश्वर हम सबों को आशीष देवे। आमीन। पवित्र सेनाओं के परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद हो कि इस पवित्र दिन में हम सबको यहाँ इकट्ठे हुए और आपका वचन सुने। हम लोग अगुवाई कीजिए और बाकी समय हम सबको सुरक्षित रखिए और हर एक बुरे फंदों से और शैतान के बड़े चीज़ों से बचा करके रखिए। आशीष से हम सबको विदा कीजिए। यीशु ख्रीस्ट के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर दीजिए। आमीन।